Hello kids, how are you? I hope all you are fine. Today I teach you maths. In maths I teach you even, odd, prime and composite numbers. First I teach you even numbers. Integers which are divisible by 2 are known as even number. Even numbers वो होते हैं जिनको कि हम 2 से divide कर सकते हैं. और बेटा उनकी जो लास्ट यूनिट है वो होती है 0, 2, 4, 6, 8 एंड देन दे आर डिविजिबल बाय 2. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी टेक दिस नंबर 8. ऑल यू नो 2, 4 जा 8. नाउ माइनस इट, 8 में से 8 गए 0, नाउ रिमाइंडर इज 0. So 8 is a even number. Next example, we take 62. 2, 3 ja 6. Minus 8. Now next number is 2. जब भी बेटा हम divide करते हैं तो हमने जब एक number से divide कर लिए तो दूसरे number को हमने नीचे उतारना होता है. अब हम नीचे उतारेंगे 2 को. 2 बन जा 2. 2 में से 2 गए 0. Remainder is 0. So 62 is also even number. Now next topic is our odd numbers. Integers which are not divisible by 2 are known as odd numbers. बेटा जो number 2 से divide ना हो उनको हम odd numbers कहते हैं. और इनकी जो last unit होती है वो होती है 1, 3, 5, 7, 9. फॉर एग्जाम्पल बेटा इसका भी मैं आपको डिवाइड करके एग्जाम्पल समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जो नंबर और नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते. फर्स्ट नंबर लेंगे हम. और बेटा इनमें एक और चीज है, जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो इनमें रिमाइंडर होता है जो वो जरूर बचता है. तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये नंबर इवन नहीं है, ओड नंबर्स. बेटा जब भी हम ओड नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या है, 1 ही बचता है. ओके, इससे हमें पता लग जाता है कि ये ओड नंबर है. अब बेटा मैं आपको एग्जांपल देके अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि हाँ ये ओड नंबर कैसे हमें पता चलता है. नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज 13. अब हम 13 को 2 से डिवाइड कर देखेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 13 तो आता ही नहीं है. तो 2, 6 जा छोटा नंबर होता है 12. तो 12 कहां पर आता है, 6 पर. अब हमने इसको माइनस किया, 3 में से 2 गए 1, 1 में से 1 गए 0. अब देखो बेटा रिमाइंडर क्या बचा आपका, 1. तो क्या है ये 13, क्या है बेटा आपका ओड नंबर है. नेक्स्ट एग्जांपल 65. अब इसको भी बेटा हमने 2 से ही डिवाइड करना है. ओके, जब हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो 2, 3 जा 6. अब हमने 6 में से 6 को माइनस कर देना है तो क्या बचेगा, 0. ऊपर से क्या उतारना है, 5. 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं है. तो आपने छोटा नंबर देखना, छोटा नंबर क्या है 5 से, 4. अब देखो 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ जी कहां पर, 2 पर. 2, 2 जा 4. अब इसको माइनस किया तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, 1. अब देखो बेटा दोनों दो नंबर्स को हमने डिवाइड किया है, दोनों नंबर में रिमाइंडर क्या बचा है, 1. और डिवाइड किससे किया है, 2 से. इससे पता लगता है कि ये दोनों नंबर ओड नंबर्स हैं. ओके, अब बेटा एग्जांपल दे रही हूं, जैसे कि हमने एक्सरसाइज दी है कि हमने फाइंड करने हैं ओड और इवन नंबर्स. ओके, नाउ फर्स्ट है 6, 7, 9, 10, 15, 18, 16, 24, 25. ओके बेटा, ऐसे आपको एक्सरसाइज आ गई है. ओके, तो अब आपने यहां पर फाइंड करना है कि कौन सा नंबर ओड है और कौन सा नंबर इवन है. ओके, जब हम बेटा इनको 2 से डिविजिबल करेंगे तो अपने आप निकल कर आ जाएगा कि कौन सा नंबर ओड है और कौन सा नंबर इवन है. अब देखो 2 के टेबल में 6 आता है, डिवाइड हो रहा है ना 6 से, 6 2 से, तो ये कौन सा नंबर है आपका, इवन
सेवन नंबर। अब टू से सेवन डिवाइड नहीं होता, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है, वन। तो ये कौन सा नंबर हुआ, ओड। नाइन भी बेटा आपका ओड नंबर है, क्योंकि जब हम इसको टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वन, और नाइन ये टू के टेबल में आता है। नेक्स्ट नंबर इज टेन। देखो बेटा मैंने बताया था कि लास्ट यूनिट भी आप देख सकते हो, जो लास्ट यूनिट होगी वो होगी जीरो टू फोर सिक्स एट। जब ये वाली लास्ट यूनिट होंगी तो उनसे नेचुरली पता लग जाएगा कि ये क्या है, इवन नंबर है। और बेटा अब इसको देखो फाइंड करेंगे इसको डिवाइड करके, ये कौन सा नंबर है आपका, ओड नंबर होगा। जब हम इसको टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वन ही बचेगा। ये आपका इवन नंबर है 18, 16 भी आपका इवन नंबर है क्योंकि ये टू से डिवाइड हो जाता है, 24 भी आपका इवन नंबर है क्योंकि ये आपका टू से डिवाइड हो जाता है। अब 25 बेटा ये आपका ओड नंबर है क्योंकि जब हम इसको टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा और रिमाइंडर बचेगा वन, तो ये क्या आपका ओड नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर प्राइम नंबर। अब देखो बेटा जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। वो जो नंबर सिर्फ वन और अपने टेबल में आते हो उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ओके। नाउ पहले हम ब्लैक बोर्ड साफ कर लें अच्छे से, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर जो सिर्फ वन और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हो, जैसे कि वन टू फाइव सेवन इलेवन सेवनटीन, ये बेटा नंबर्स हैं जो एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिए हैं। वैसे ये जो प्राइम नंबर्स हैं और भी हैं, ऐसे आप जब फाइंड करने लगोगे ना वन से लेके हंड्रेड तक काउंटिंग लिख के फाइंड करोगे तो आपको प्राइम नंबर्स निकलकर बाहर आ जाएंगे। अभी एग्जांपल के लिए आप ये देखेंगे, देखो वन है जो सिर्फ बेटा अपने ही टेबल में आता है हमेशा, वो किसी और टेबल में नहीं आता। अब टू है जो बेटा वो वन के टेबल में भी आता है और टू के टेबल में भी आता है, ठीक है। सिर्फ जो वो प्राइम नंबर्स होते हैं जो वन के टेबल में और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हो उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है फाइव है, फाइव भी वन और उसके टेबल में आता है, और किसी टेबल में फाइव आता नहीं है। नेक्स्ट है सेवन, ये भी बेटा वन और सेवन के टेबल में ही आता है। ऐसे इलेवन और सेवनटीन भी बेटा आपका प्राइम नंबर है, ओके। जब आप लोगों ने बेटा हंड्रेड तक काउंटिंग लिख के इनको फाइंड करना है, ओके। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स बेटा वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में ना आकर और भी टेबल्स में आते हो नंबर्स। अब जब मैं एग्जांपल दूंगी आपको तो अच्छे से समझ आ जाएगा। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में तो आते ही आते हैं और भी तीन या चार टेबल्स के अंदर आते हो उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फोर, अब देखो बेटा फोर है वन के टेबल में आ रहा है, टू के टेबल में आ रहा है और फोर के टेबल में। अब ये दो से ज्यादा टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट नंबर लेंगे सिक्स। सिक्स भी बेटा वन के टेबल में आ रहा है, टू के टेबल में आ रहा है, थ्री के टेबल में आ रहा है और फोर के, सॉरी सिक्स अपने टेबल में भी आता है, ओके। ऐसे ही बेटा और नंबर देखेंगे हम। अब जैसे कि नाइन है, जो नाइन है वो वन के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है और नाइन अपने टेबल में भी आता है। ये नंबर्स बेटा आपके कंपोजिट्स नंबर है, ओके। जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ट्वेल्व है, अब अपना ये भी कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि ये वन के टेबल में आ रहा है, टू के टेबल में आ रहा है, थ्री के टेबल में आ रहा है, फोर के टेबल में आ रहा है, सिक्स के टेबल में भी आ रहा है और ट्वेल्व फिर अपने टेबल में आता है, ओके। देखो एक से ज्यादा नंबर, जो नंबर एक से ज्यादा टेबल्स में आता हो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ओके। अब देखो बेटा ये तो छोटे एग्जांपल थे, ये तो एक या दो तीन चार टेबल में आ रहे हैं। अब जो ट्वेल्व था वो कितने टेबल्स में आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स टेबल्स में आता है ट्वेल्व। ये नंबर जो है ये आपके कंपोजिट नंबर्स, ये आपके प्राइम नंबर। इवन और ओड हमने पहले किया है, तो बेटा आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोगों ने बेटा इसकी रिवीजन भी करनी है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।